कहीं कोई हादसा ना हो जाए। मुल्तान सक्खर मोटरवे पर हिफाजती इंतजाम ताहाल नामुकम्मल। शुजाबाद से मुल्तान मोटरवे पर एक बड़े हादसे पर हिफाजती बाड़ गैर फान। मोटरवे के अतराफ में आबादियां और जरिए रकबा मौजूद। जानवरों का मोटरवे पर आने का इम्कान। मोटरवे हुकाम का कहना है कि तमाम काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुल्तान से कूड़ा क्रिकेट से बिजली बनेगी। जापानी कंपनियों को टास्क दे दिया गया। जापानी कंपनियों की मुल्तान ब्रिज कलेक्शन को तकनीकी बुनियादों पर रिसाइकिल करने में दिलचस्पी। कंपनियों से पुरानी लैंडफिल से मुनासिब इस्तेमाल बारे भी तजवीज तलब। कमिश्नर मुल्तान इफ्तिखार सखू और चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आमिर खटक से जापानी कंपनियों के वक्त से मुलाकात। जनूबी पंजाब के शहरियों को मिलेगी बिलातातुल बिजली की फराहमी। मैपको का रीजन भर में 14 नए ग्रिड स्टेशन कायम करने का फैसला। जमीन का तायुन भी कर लिया गया। बहावलपुर में अब सड़कों के मंसूबे होंगे मुकम्मल। 166 मिलियन के फंड मंजूर। हुकूमत पंजाब ने महकमा हाईवे को 70 किलोमीटर की सड़कें बनाने के लिए फंड जारी कर दिए। स्कीम में दो सिला बहावलपुर, दो रहीमयार खान और एक सिला बहावल नगर का मंसूबा शामिल। तमाम मंसूबों पर 1 अरब 71 लाख की लागत आएगी। डीजी खान में नया पाकिस्तान मंजिले आसान प्रोग्राम। कमिश्नर मुदस्सिर यास मलिक ने दिन भर में 173 किलोमीटर लंबी 28 सड़कों की मुरम्मत की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत कम से कम 4 साल पुरानी और 5 किलोमीटर लंबी सड़कों की मुरम्मत होगी। निजी स्कूलों में कोई ज्यादा फीस वसूल नहीं करेगा। महकमा तालीम की डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला। अथॉरिटी ने शहर के तमाम बड़े निजी स्कूलों की फीस का तायिन कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। पाबंदी ना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करें। अदालत का डॉक्टर्स के एतराजात सुनने के लिए कमेटी तशकील देने का हुक्म। कमेटी 22 और 23 नवंबर को मुशावरती इजलास बुलाएगी। डॉक्टर्स को जारी शोकास नोटिस पर तादीबी कार्रवाई न करने की हिदायत। डॉक्टर्स शोकास नोटिस का जवाब देंगे। हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। समाप्त 2 दिसंबर तक मुलतवी। पुलिस लाइन बहावलपुर में पुलिस वायरलेस ट्रेनिंग स्कूल की 274वीं पासिंग आउट तकरीब। परेड का अमली नमूना भी पेश। एसएसपी मवासलात पंजाब मुंतजर मेहंदी और डीपीओ सरफराज खान बेर्ड की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान खसूसी को सलामी पेश की। नवाबों का शहर होगा सरसब्ज। नए पेट्रोल पंप का लाइसेंस पौधे लगाने के बाद मिलेगा। डीसी भावलपुर ने पंप का लाइसेंस हासिल करने के लिए 1000 पौधे लगाने की शर्त रख दी। चेयरपर्सन शहला एहसान का कहना था पीएचए शहर में तमाम पौधों को इसी हफ्ते लगाकर रिपोर्ट डीसी ऑफिस भिजवाएगा। तालीमी दौड़ में जनूबी पंजाब के अजला फिर से पीछे रह गए। 2 माह की तालीमी दर्जाबंदी में नाफिस कारकर्दगी के हामिल। जनूबी पंजाब के 4 अजला शामिल। डीजी खान म्याज तालीम में सबसे आखिरी पोजीशन पर आ गया। मुल्तान 17वीं, बहावलपुर की 19वीं, लोधरा की 6वीं और मियांवाली की 20वीं पोजीशन। पंजाब भर के अजला के तालीमी दर्जाबंदी रिपोर्ट जारी। बहावलपुर में पार्किंग फ्री होने के बावजूद शहरियों से रकम बटोरी जाने लगी। मोटरसाइकिल स्टैंड मालिकान ने इंतजामिया के अहकाम हवा में उड़ा दिए। सर्कुलर रोड पर शॉपिंग प्लाजा करीम प्लाजा समेत मुतादिद प्लाजों के सामने शहरियों से पार्किंग वसूल फीस वसूल की जाने लगी है। सीओ कॉरपोरेशन का कहना है कि ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तार करवा के मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। लोधरा में महकमा तालीम की नाहली और गफलत। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 41वें एम की इमारत पर 62 जमींदार का कब्जा। क्लासरूम को मवेशियों का भाना और असेंबली ग्राउंड को पंचायत हॉल बना दिया। स्कूल की चारदीवारी गिराकर ईंटें गायब। मेन गेट चोरी, सरकार अफसरान खामोश तमाशाई। सीईओ एजुकेशन नियापुल रजाक ने स्कूल इमारत पर कब्जे से नाराजगी का इजहार कर दिया। बहावलपुर में पार्किंग फ्री होने के साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में मसरूफ तरीन दिन। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें।
बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजफ्फरगढ़ आमद से कबल जाले पुरजोश। शहीद बेनजीर भुट्टो स्टेडियम में जलसे की तैयारियां शुरू। शहर को खैर मुकदमी बैनर्स और पैनल फ्लेक्सी से सजा दिया। एमएलए नवाबजादा इफ्तिखार अहमद का कहना है कि 80 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया जाएगा। कल के जलसे से जनूबी पंजाब की सियासत। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के भतीजे दोस्त अली गिलानी के दरबार मूसा पाक मुल्तान में रस्म कुल। मरहूम के वालिद मुश्तबा गिलानी, जैन गिलानी, सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी, रहनुमा पीपल्स पार्टी खालिद हनीफ समेत दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। गद्दी नशीन दरबार मूसा पाक मखदूम अबू अल हसन गिलानी ने कुलखानी में इज्तमाई दुआ कराई। ताजरों और एफसीआर के दरमियान होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। ताजरों के मसाइल और टैक्स रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कमेटियां 15 नवंबर तक तश्कील दी जाएंगी। मुल्तान समेत मुल्क भर के तमाम चीफ कमिश्नर्स को अहकाम दे दिए। नोटिफिकेशन भी जारी। सिटी रेलवे स्टेशन मुल्तान की बिल्डिंग टूट फूट का शिकार, सहूलतें नापैद। बिल्डिंग खस्ताहाली का मंजर पेश करने लगी। रेलवे स्टेशन मंशियात इस्तेमाल करने वालों की आबादगाह बन गया। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस का मुतालबा। सानहाई तेज गांव 59 नंबर डेड बॉडी के साथ दो अफराद का डीएनए मैच करने का मौका हल। एक शख्स शाहबाद होने वाले का बेटा और दूसरा भाई निकला। मजीद 3 लाशों की डीएनए रिपोर्ट भी आ गई। मुल्तान में सुई गैस चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 14 कंप्रेसर समेत दर्जनों गैस चोर पकड़े गए। 16 गैस चोरों के कनेक्शन मुनकता कर दिए गए। मुतादिद मुल्जिमान को जुर्माने किए गए। रहीमिया खान ने टिड्डी दल के बड़े झुंड का हमला। तोरिया कैंट के चारों एतराफ सोलसानी इलाके को टिड्डी दल ने घेर लिया। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का स्प्रे 450 एकड़ डब्बे पर टिड्डी दल का खात्मा कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा की साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के भतीजे की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। मुलाकात में मखदूम अहमद महमूद भी मौजूद। कमिश्नर मुल्तान इफ्तिखार सहूद सब्जियों की नीलामी के अमल की मॉनिटरिंग के लिए मंडी पहुंच गए। कहते हैं खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। कमिश्नर की सब्जी मंडी में सफाई करवाने की हिदायत। मंडी की सड़क की तामीर और सर्विस निजाम की बहाली का हुक्म। ग्राम फरोशों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अहमद फराज का कहरोड पक्का में क्रैक डाउन। महंगे दामों अशिया खुरनोश फरोख्त करने पर जुर्माने किए गए। मरहबा मरहबा लबैक या रसूल अल्लाह। जनूबी पंजाब में जश्न ईद मिलातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। आशिकाने रसूल पर जोश, धूमधाम से मनाने का आज़म। मसाजिद गलियों और बाजारों को सजाने के लिए खसूसी इंतजाम। बर्फी कुमकुमों रंग बिरंगी झंडियों के स्टॉल सज गए। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलह अकीदत पेश। कमिश्नर मुल्तान इफ्तिखार अली सहू, सीनियर सिविल जज फारूख फरीद, सीनियर सिविल जज सुहेल अकरम वड़ाइज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बिलाल बेग समेत दीगर जज साहिबान और वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। मियांवाली पुलिस की जानिब से ईद मिलातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्योरिटी प्लान जारी। जिला भर में 62 जुलूस निकाले जाएंगे। 800 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। ड्रोन कैमरों के जरिए रैली जुलूसों की निगरानी भी की जाएगी। जुलूसों की मॉनिटरिंग डीपीओ ऑफिस में बनाए गए कंट्रोल रूम के जरिए होगी। डीजी खान में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान शयान तरीके से मनाया जाएगा। डीपीओ असद सरफराज की जेर सदारत मीटिंग। तमाम मकासब फिक्र और शहरियों से अमन अमान के क्याम के लिए तआवुन करने की अपील। उधर मिलाद कमेटी के मरकजी सदर साहबजादा अनवर हसन ने 12 रबीउल अव्वल के जुलूस का रूट फाइनल कर दिया। मियांवाली में 12 रबीउल अव्वल के इंतजाम के हवाले से एडीसीआर वाहिद अर्जुमन जाकी जेर सदारत अहम इशरात। 12 रबीउल अव्वल के इंतजाम बारे लाहे अमल तैयार। उलमाए कराम ने भी इंतजामिया को मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी कराई। अहमदपुर चरकिया के इलाके हमजा टाउन के 2 मासूम बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला हो गए। 11 साल हसन और 2 साल बच्ची हरीम फातिमा हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। वालिदा कहती है बच्चों का बाप सरकारी स्कूल में चपरासी है, इलाज का खर्चा नहीं उठा सकता।
नैब मुल्तान की जानिब से हाउसिंग सेक्टर में फ्रॉड के हवाले से सेमिनार का इनेकार। डायरेक्टर नैब अब्दुल हफीज खान ने कहा कि जनूबी पंजाब में 1600 से जायद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज कायम है, बतौर पाकिस्तानी हाउसिंग सोसाइटीज में करप्शन करने वालों की निशानदही करें। लग्जरी आइटम पर इम्पोर्ट की पाबंदी खत्म की जाए, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हुकूमत से मुतालिबा। रीजनल चेयरमैन अब्दुलरऊ का कहना है कि पाकिस्तान की फैक्ट्री में इंतहाई पुरानी मशीनों के जरिए मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, लग्जरी आइटम की तैयारी तक हुकूमत इंपोर्ट करने की इजाजत दे। दी एडलेड स्कूल भक्कर की 8 टीचर ने हाथ से कुरान पाक तहरीर करने की सआदत हासिल कर ली। कुरान पाक की रोनमाई के लिए तकरीब का इनेकाद। उरूसा खिजर ने 1.5 साल की मुद्दत में कुरान पाक को तहरीर किया। 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद प्लाजा में कुरान पाक की बाकायदा रोनमाई की तकरीब कराने का फैसला। जामिया हाई स्कूल मियांवाली में नातिया मुकाबले, तहसील सतह पर अव्वल, दोयम और सोयम आने वाले बच्चे मुकाबले में शरीक। मॉनिटरिंग ऑफिसर हेल्थ असद मलिक और साबिक काउंसलर हाजी एजाज खान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। शहरियों और दीगर बच्चों की बड़ी तादाद ने भी तकरीब में शिरकत की। बरे सगीर पाको हिंद के मशहूर सूफी बुजुर्ग मोहम्मद अली रब राखा का दिहाड़ी में 77वां उर्स गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज कर दिया। साबिक उम्मीदवार साहिद इकबाल, कमर इकबाल और चौधरी तैमूर की दरबार पर चादर पोशी, मुख्तलिफ इकसाम के स्टॉल भी लग गए। जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। मुल्तान स्पोर्ट्स जिमनेजियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉक्सर्स के मबैन दोस्ताना मुकाबला। सुपर फ्लाईवेट के पहले मैच में पाकिस्तानी बॉक्सर अंजल और अफगानिस्तान के बॉक्सर रामेन के मबैन दिलचस्प मुकाबला हुआ। सुपर फ्लाईवेट फर्स्ट फाइट अफगानिस्तान के बॉक्सर रामेन ने जीती। और मुल्तान में मशहूर ब्रांड क्लाइव की जानिब से क्लाइव फेस्टा का अहतमाम। जदीद बैग, जूते और ज्वेलरी खवातीन की तवज्जो का मरकज बने। खवातीन के लिए गायकी और टैबलोस का मुकाबले कुरंदाजी के जरिए लड़कियों को इनामात भी दिए गए।